हाँ जी, तो अनबॉक्सिंग करेंगे उहू की पोर्टेबल स्टेनलेस स्टील स्टोव के। ये कैंपिंग स्टोव है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बुकलेट है छोटा सा, एक आपको थोड़ा समझने के लिए कि क्या क्या इसमें और किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको ज़रूरत लगे तो उसका यूज़ कीजिएगा। ये मैंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं इसमें क्या है, तो इसको अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक नेट पैकिंग दी गई है। इसके अंदर जो है टोटल करीबन 6 पीस है टोटल। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये सबसे पहला तो टॉप है, उसके बाद ये बाबूक्यू के लिए एक जाली दी गई है, और अल्कोहल के लिए मीन्स आपको अल्कोहल बेस अगर फायर लगानी हो तो छोटी सी कटोरी भी एक दी गई है। ये बेस है, देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। टोटल 6 आइटम आती है इसके अंदर। तो इसको किस तरीके से लगाना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको जस्ट लगा के दिखाऊंगा, मीन्स आपको फायर करके तो अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि घर पे हूँ फिलहाल। तो मैं जब भी कैंपिंग पे जाऊंगा तो ज़रूर आपको इसको एक बार फायर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगता है। तो इस तरीके से आपको बेस रखना है, उसके ऊपर आप ये सेकेंड जो इसका बेस होगा वो रख दीजिए। और इसको देखिए, ये जो आया है साथ में, इसको आपको इस तरीके से उल्टा रखना है। उल्टा करोगे तो फिर आप ये जो अल्कोहल बेस वाला, जो मीन्स आपको ये देखिए, ये जो इस पे आप अपनी मोमबत्ती या फिर आपको जिस तरीके से भी पेट्रोल ये डाल के, तेल डाल के अगर आपको लगाना हो दिया दिया टाइप में, तो आप उसको कर सकते हो और कुकिंग कर सकते हो अल्कोहल बेस। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा ये। इस ये ऊपर का जो टॉप है ये खुलता है, मैंने खोला नहीं, सॉरी। अब ये सेकंड आपको तरीका दिखाता हूँ मैं कि सेकंड तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको अभी आपको फिर से उल्टा कर देना है इस तरीके से, काफ़ी सारा बीच में गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने जो लकड़ियाँ वगैरह है वो आप अंदर डाल सकते हो। लकड़ियाँ वगैरह डालने के बाद में काफ़ी सारा गैप हो गया है देखिए। और ये जाली रख के आप बारबेक्यू कर सकते हो। और इस ये रखने के बाद कोई यूज़ नहीं है इसका, ये इस तरीके से यूज़ करना। तो आप देखिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको लकड़ियाँ डालनी है अंदर, और आप आग लगा के अपना जो भी कुकिंग करना है छोटा मोटा वो आप कुकिंग कर सकते हो। मैं एक बार इसको ये भी कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से वापस इसे फोल्ड करना है आपको, वो भी दिखा लेता हूँ आपको। ये देखिए एक के अंदर एक चला जाएगा और ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी जगह लेता है, तो आपको बैग के अंदर काफ़ी छोटी सी जगह लेगा आपके, बट काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा करीबन 1100 रुपये में। आप चेक कीजिएगा, इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी अमेज़ोन पे फ़िलहाल 1100 रुपये का अवेलेबल है, आप देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।